मणिपुर में जिस तरीके से वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ भी जाति अत्याचार हुआ, दुराचार बलात्कार की घटनाएं क्रूरतम तरीके से की गई, साथ ही साथ नंगा करके भीड़ तंत्र के द्वारा SLR AK-47 और 30 कार्बाइन वाली भीड़ के साथ में सार्वजनिक रूप से उनको घुमाया गया। महिलाएं भागकर पुलिस के पास गईं, पुलिस फिर से उनको भीड़ तंत्र को सौंप दिया। इसका मतलब सरकार इस पूरे घटना में शामिल है। 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के तमाम देशों में सैर सपाटे करने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन मणिपुर जो 90 दिन से जल रहा है, वहाँ के लोगों के घाव पर मरहम लगाने का समय उनको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। इसी आशय को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया था। सरकार के इशारे पर निंदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। यह है, सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दुहाई देती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज पूरे न केवल मणिपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आज अराजकता की आग में झोंक रही है। हरियाणा अभी इसी प्रकार का एक घटना घटी है। पूरे देश और प्रदेश में वो दंगा कराने की फिराक में है, और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा दंगे को कराने का मुहिम तेज कर दी है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील करता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई सौहार्द बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें, किसी के भड़कावे में ना आएं, किसी के बहकावे में ना आएं। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको नाकामयाब